उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां पर रिश्ते के मामा ने फिल्मों में और मॉडलिंग में काम दिलाने का झांसा देकर छात्रा के अश्लील फोटो बना लिए और उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सारे मामले में छात्रा की माँ की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं छात्रा ने रो रोकर अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसे योगी सरकार से न्याय चाहिए, अगर उसे न्याय नहीं मिला तो उसने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मेरे मामा का मेरे रिश्ते में मामा जी लगते थे और क्या कहते हैं, मुझे ब्लैकमेल करता था, मुझसे कुछ पैसे भी लेकर गया, 50,000 रुपये लेकर गया, फिर मुझसे मांग करी, 1,00,000 रुपये की मांग करी, फिर मेरे पास मेरे कानों की बालियां भी ले गया, मुझे ब्लैकमेल करा, मुझे अगर 1,00,000 रुपये मुझसे मांगता था, फिर 1,00,000 रुपये मेरे पास थे नहीं, मैं कहाँ से देती। फिर उसके बाद मुझे ब्लैकमेल, मुझसे कहा कि मैं ये फोटो तेरे रिश्तेदार को दिखाऊंगा, तेरे मम्मी पापा को दिखाऊंगा, वरना मुझे 1,00,000 रुपये दे, मैं तेरी फैमिली को ऐसा करा दूंगा, मार दूंगा। और फिर मैं कहाँ से करती, फिर इतना, फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बताया। अच्छा, और क्या मांग रहे हो, ब्लैकमेल कर रहा, क्या मांग रहे हैं आपसे? पैसे मांगता था। और अब और मांग रहे हैं, और पैसे मांगे थे? और भी मांगे हैं उसने, 1-2 लाख रुपए फिर मांगे उसने मुझसे दोबारा। कोई फोटो वगैरह आप लोग? फोटो भी खींचा है मेरे, उल्टे सीधे फोटो खींची, मुझसे कहा कि मैं मुंबई में मॉडलिंग कराऊंगा, फिल्मों में काम कराऊंगा, मेरी बहुत ज्यादा जानकारी है। अब अपने आप को क्या समझ, ऐसे वक्त से समझ रही है कि इतना उसने डराया आपको, क्या कहा? हाँ, मुझे डराया, धमकाया मुझे बहुत, मुझे मारने की धमकी तक दी थी। क्या इस वजह से घर से बाहर नहीं निकल रही हो, दबंगों के डर से? हाँ हाँ। अगर तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर आप क्या करोगी? मैं अपनी जान दे सकती हूँ बस। क्या क्या मांग करती हो, किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए उसे? उसे सजा मिलनी चाहिए, जैसा उसने मेरे साथ करा उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए।